सूर्या फंडामेंटल स्टडी डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्वेश्चन क्या है डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल नेक्स्ट वीडियो को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं हम उस वीडियो में भी मोनोमियल बाय मोनोमियल से क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे तो इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे तो क्वेश्चन क्या है हमारा 15m² n³ / 5m² n² तो इसको कैसे करेंगे 15m² n³ / 5m² n² ओके ये डायरेक्टली हम काट सकते हैं बट आप लोग को समझाने के लिए पूरे प्रोसेस के साथ पूरे कंसेप्ट क्लियर के साथ करके दिखाना पड़ता है तो इसको 15m × n × n × n × n / 5m × m × n × n ओके 5 × 3 = 15 m से m कट गया n से n कट गया आंसर क्या होगा हमारा 3n आंसर क्या होगा 3n आंसर क्या होगा 3n होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 7 है 24a³b³ - 8ab तो इसको कैसे करेंगे वैसे ही करना जैसे सारे क्वेश्चन करते हुए हैं तो 24a³b³ - 8ab 24 × a × a × a × b × b × b −8 × a × b तो नेक्स्ट क्या होगा 8 × 3 = 24 a कट गया b b कट गया बचा क्या −3 a कितना है 2 यहाँ पे a × a तो a² हो जाएगा b कितना है 2 b × b तो b² हो जाएगा आंसर आपका आंसर यही होगा a² b² 3 a² b² आपका आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 8 है −21abc² / 7abc तो इसको चलो करके देखते हैं −21abc² / 7abc −21 × a × b × c × c / 7 × a × b × c 7 × 3 = 21 a से कट गया b b से कट गया c c से कट गया आंसर क्या होगा −3c आंसर क्या होगा −3c नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 9 है 72 × xyz² / −9xz तो इसको कैसे करेंगे 72 × xyz² / −9xz 72 × x × y × z × z / −9 × x × z 9 × 72 x से x कट गया z से z कट गया आंसर क्या होगा हमारा 8y और बचा क्या z और मतलब प्लस होगा या माइनस तो माइनस होगा -8yz हमारा आंसर होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्या है −72a⁴b⁵5 6⁸ / −9a⁻² b⁻2 c⁻³ तो −72a⁴b⁵5 c⁻⁸ −9a² b² c³ 9 × 7 = 72
9 8 72 माइनस माइनस कट जाएंगे, ये ए स्क्वायर है और ये ए पावर 4 है तो ये कट जाएगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ बी स्क्वायर है, ये बी पावर 5 है, ये भी कट जाएगा तो बचेगा कितना, बी पावर 3। ये सी क्यूब है और ये सी पावर 8 है, ये भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, सी पावर 5। तो आंसर क्या होगा हमारा, 8 ए पावर 2 बी पावर क्यूब सी पावर 5, ये होगा हमारा आंसर। आंसर क्या होगा, 8 ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्या है, 16 एम क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 4 एम स्क्वायर वाई। तो इसको कैसे करेंगे, इसको 16 जब लिखा है तो इसको डायरेक्टली हम कट कर देंगे, 16 एम क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन 4 एम स्क्वायर वाई जब लिखा है, 4 4 16 एम स्क्वायर, एम स्क्वायर तो ये क्या बचेगा, एम सिर्फ बचेगा 1, वाई स्क्वायर ऊपर है वाई नीचे तो एक यहाँ पे वाई बचेगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा, 4 एम एंड वाई, एम वाई आंसर, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4 एम वाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 32 एम स्क्वायर एन क्यूब प्लस पी स्क्वायर अपॉन 4 एम एन पी। डायरेक्ट सिंपल आंसर कर देंगे कट करके, 32 एम स्क्वायर एन क्यूब पी स्क्वायर अपॉन 4 एम एन पी, 4 8 32 एम एम से कट जाएगा एम होगा, एम स्क्वायर है एम एम कट जाएगा, एक एम बचेगा यहाँ पे, एन क्यूब है यहाँ पे एन है तो एन एन कट जाएगा तो एन स्क्वायर होगा, ये पी स्क्वायर है ये पी है कट जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ पी बचेगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 8 एम एन स्क्वायर पी। आंसर आंसर क्या होगा, 8 एम एन स्क्वायर पी आंसर होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।